नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 777 VR1। ये राउटर इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों के पास आज के डेट में भी अवेलेबल है, और आपका राउटर पुराना है या आपके पास कोई सी भी कंपनी का राउटर है जहां आपकी वाईफाई रेंज कम आती है या आपके दूसरे कमरे में वाईफाई सिग्नल बिल्कुल नहीं पहुंच पाते, तो आप वाईफाई एक्सटेंडर की तरह इसे यूज कर सकते हैं। और जिस कमरे में आपके वाईफाई नेटवर्क बिल्कुल ड्रॉप है, तो आपका मेन राउटर कहीं भी लगा हो, तो वहां से इथरनेट केबल या वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं। उस कमरे में रख के आप नॉर्मल, जहां आपका वाईफाई का एक नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो वहां पे पूरे नेटवर्क आने लगते हैं। तो इन कामों में भी इन राउटरों का यूज किया जाता है। तो आप इथरनेट कनेक्शन देखना चाह रहे हैं इसके, क्योंकि ये जो राउटर होते हैं दोस्तों, ये DSLL पे वर्क करते हैं। DSL पे तो मतलब ये है कि जो टेलीफोन लाइन आती थी एयरटेल की तरफ से बहुत पहले, तो वहां पे आप नॉर्मल टेलीफोन लाइन भी यूज कर लेते थे और साथ में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी। तो दोस्तों, इथरनेट से इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे पूरी वीडियो आ रही, क्लिक करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और इथरनेट कनेक्शन इसलिए ज्यादा यूजफुल रहता है क्योंकि दोस्तों, आप वायरलेस से कितना भी कनेक्ट कर ले, मोर स्ट्रांग रहता है इथरनेट केबल कनेक्शन, जो कि बहुत अच्छी स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, यार घर में मेरी इथरनेट केबल देखती भी जाएगी और थोड़े बहुत ड्रॉप भी रहता है तो चलेगा, मतलब कभी कभी स्पीड थोड़ी सी, तब आप ज्यादा मल्टीपल फाइलें या कहीं डाउनलोडिंग लगा रखे हो, मल्टीपल फाइलें यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत ड्रॉपनेस देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में वायरलेस कि घर में कोई इथरनेट केबल ना दिखे और मैं क्यों इथरनेट केबल पर खर्चा वर्चा करूं, तो डायरेक्टली आप वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी वीडियो यहाँ पे आ रही है, तो आप क्लिक करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के पास प्रॉब्लम होती है कि डेस्कटॉप में नेट एक्सेस करना है और डेस्कटॉप में आपके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसपे, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल, मतलब रिसेंटली आपने 2020 या 2019 में खरीदा होगा, तो उन डेस्कटॉपों में ज्यादातर आपको वाईफाई डिवाइस देखने के लिए मिलते हैं इनबिल्ट। तो डेस्कटॉप में आप डायरेक्टली मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप में चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में पुराने डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं और वहां पर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो दोस्तों क्या करना है? तो आपके पास वैसे तो 777 VR1 पड़ा हो तो वो, या आप हमें इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा राउटर है, और हम बता देंगे आपको कि वहां पे कि वो मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसके मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करना है और इसकी कुछ सेटिंग चेंज करनी होगी, जो कि मैं अभी आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद जो इसके पीछे की RJ45 पोर्ट है, मतलब DSL वाली पोर्ट को छोड़ दिया जाए, तो ये जो चार पोर्ट है, तो उस पे आप नॉर्मली कितने भी डेस्कटॉप हो, मतलब चार डेस्कटॉप हो, और ज्यादा एक्स्ट्रा कैसे है कि चार पोर्ट से ज्यादा मेरे पास और ज्यादा डेस्कटॉप है, तो उसको सबसे पहली बात तो मोबाइल के हॉटस्पॉट की एक लिमिट होती है। आप बहुत अच्छे एरिया में चला रहे हैं तो स्पीड टेस्ट जरूर कर लीजिएगा कितनी MBPS की स्पीड आ रही है, उसके बाद ही आप अपने डेस्कटॉप का चेंज करें। 25 से 30 MBPS की स्पीड आ रही है तो 1 से 2 डेस्कटॉप से ज्यादा कनेक्ट ना करें। हाँ, 150, 200 या 400 MBPS की स्पीड आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा 10-15 डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डाउनलोडिंग ना करें तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा वो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप समझ जाएंगे, उम्मीद है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसके ट्यूटोरियल पे चलते हैं और इसे टेस्ट करते हैं और इसकी स्पीड चेक करते हैं कि क्या हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इथरनेट से राउटर को, जो कि है मेरा यहाँ पे वाईफाई सपोर्टेबल नहीं है ये डेस्कटॉप, तो मैं नेट कनेक्ट नहीं कर पाता डायरेक्टली मोबाइल के हॉटस्पॉट से। तो हम किसी भी जो लाइन केबल है 1, 2, 3, 4 तक, तो किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं, बस DSL वाली पोर्ट में नहीं लगाना है। तो हमने 4th पोर्ट में लगा लिया है और लाइट भी जल गई 777 VR1 की। और अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जाएं सेटिंग में, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके दिखा सकते हैं ओनली एक्सेस लोकल नेटवर्क। तो यहाँ पे इथरनेट पे चले जाते हैं। इथरनेट के बाद यहाँ पे हमें IP मिल गए हैं, ये जो IP है ये इम्पोर्टेंट IP है इसका, तो इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि नेट कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक्सेस नहीं दिया है हमने किसी भी तरीके का। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख के आ रहा है बैक टू सेफ्टी, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अनसेफ तरीके से चले जाएंगे क्योंकि कोई वायरस नहीं है। एडमिट एंड पासवर्ड है, तो यहाँ पे खुल के आ जाता है। तो हम वैसे वाईफाई का कुछ आप पहले से चेंज करना चाह रहे हैं तभी चेंज करिएगा। एडवांस सेटिंग में जाके, मतलब सेटअप में जाके, सेटिंग में या सेटअप में जाने के बाद लाइन केबल में जाना है, DHCP जो है इसे यहाँ पे नोन कर देना है और अप्लाई टू चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अप्लाई टू चेंज हो गया है और फिर जाना है हमें WLAN वाली पोर्ट में, ऑप्शन में। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं करना, आपको SSD ID चेंज करनी है तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं,
नहीं करना तो कोई बात नहीं, राउटर अपने आप चलता रहेगा जैसे चल रहा था। तो यहाँ पे आपको जो एनेबल करना है एक्सेस पॉइंट जो कि आपने दे रखे हैं, वो सब सिक्योरिटी पासवर्ड जो भी इसका पासवर्ड है, यहाँ पे हम इसका पासवर्ड चेक करें तो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल वो स्टार स्टार ही दिखा रहा है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं पासवर्ड में। तो जैसे कि मैं पासवर्ड में @123 रख लेता हूँ, तो यहाँ पे चेंज कर दिया है तो वो रीस्टार्ट के लिए चला गया है। तो ये वाला ऑप्शन आ गया है रिपीट एनेबल, मतलब हमें रिपीटर बनाना है इसे। तो सबसे पहले एनेबल करेंगे, अभी यहाँ पे कोई चीज डालनी नहीं है, साइट सर्वे मतलब हम ढूंढेंगे जो कि अभी 4 3 2 लेफ्ट सर्च कर रहा है आसपास के जो भी नेटवर्क है, और उसने जो सर्च किए हैं वो ये किया है जो कि हमारा आनंद सैमसंग जो मोबाइल है मेरा, तो 100% नेटवर्क स्ट्रेंथ है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद तो सिक्योरिटी पूछेगा, आपको अप्लाई नहीं करना है सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद जो भी आपका पासवर्ड है जैसे कि इसमें आ जाता है पी में, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड पासवर्ड जो भी आपने डाल रखा है अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट का वो आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद ये बता रहा है कि इसमें आईपी ये चलेगी, तो हमें फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद अप्लाई, और उसके बाद एक बार राउटर को रिस्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप खुद देख पाएंगे कि हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे मेरा मोबाइल का आईपी चल रहा है जो कि बिल्कुल ही आपको थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। और तो सबसे पहले करते हैं स्पीड टेस्ट, तो यहाँ पे क्रोम खोलेंगे, रीस्टार्ट करने के बाद हमने कुछ नहीं किया है सिर्फ रीस्टार्ट किया है राउटर को, और यहाँ पे डालेंगे गूगल क्योंकि जो भी मोबाइल की स्पीड आएगी वो उसी पे बेस चलेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मोबाइल की स्पीड है मेरे जो कि मैं जियो का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम टेस्ट डालेंगे स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं कि कितनी स्पीड मिल रही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये टोटल मेरे जियो की नेटवर्क स्पीड है क्योंकि तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके फिर अपने 777 VR में कनेक्ट करके सीधे डेस्कटॉप पे यूज कर रहा हूँ। तो अपलोडिंग स्पीड तो एटलीस्ट 2 MBPS चली जा रही है, लेकिन डाउनलोडिंग स्पीड 260 KB आ रही है जो कि बहुत ज्यादा कम है, और मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ तो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है नेटवर्क की, ये भी है थोड़ा सा। और एक बार और ट्राई करते हैं, तो ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है सच में, कि आप कितनी भी कोशिश कर लें कि 1 MBPS तक पहुंच जाती है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लग नहीं रहा कि 1 MBPS तक पहुंच पाएगी। बहुत ज्यादा कम आ रही है, लेकिन दोस्तों आपका नॉर्मल, क्योंकि हमने कहा था कि मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप नॉर्मली कनेक्ट करते हो तो बहुत ज्यादा जनरल कम स्पीड मिलती है। और यहीं पे जैसे कि मैं YouTube की बात करूं, YouTube ऑन करते हैं तो मैं कितने मतलब पिक्सल में, तो आप स्पीड ही देख पा रहे होंगे, तो आप खुद समझ गए होंगे कि कितनी स्पीड मुझे मिल रही है यहाँ पे क्योंकि इमेज खुलने में भी टाइम लग रहा है। लेकिन क्वालिटी की बात करूं इतनी कम स्पीड पे मैं कितनी क्वालिटी में देख पाऊंगा कोई सॉन्ग या वीडियो। तो यहाँ पे 4K है तो इसे ऑटो पे कर देते हैं दोस्तों, मुझे लग नहीं रहा कि ये 4K पे चल पाएगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्स्ट क्वालिटी हो गई। यहाँ पे इस पे तो चल रहा है मतलब 480 तक तो आ गया अपने आप, लेकिन HD पे ट्राई करते हैं कि HD आराम से चल जाएगा। जियो के नेटवर्क पे यूज कर रहा हूँ पूरा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम जरूर ले रहा है,
तो दोस्तों मुश्किल लग रहा है, लेकिन या चल गया है, लेकिन मुझे लग रहा है हैंग कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ सारा जमाना है मेरे पीछे। हैंग कर गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप ऑटो पे इतनी भी कम स्पीड पे भी 720 पे आराम से देख पा पर रहे हैं। ये दीवाना है तेरे पीछे, सर झुकने ना झुक। बाकी बात दोस्तों आगे वीडियो में करते हैं। दोस्तों आपने देखा बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप थे, कुछ ज्यादा खास काम नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि मैंने एक पॉइंट मिस करा था। शुरू में बताना चाहिए था वैसे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि राउटर को रीसेट किया गया। रीसेट कैसे करना है वो मैं आपको बताया था। 777 VR राउटर है जिसमें पीछे दो पोर्ट दी जाती है। पहली पोर्ट जो है वो है WAN की, बटन मतलब बटन है, और WPS का बटन है, और जो लास्ट कॉर्नर वो है रीसेट का। लेकिन इसमें डायरेक्टली बटन दबाने के लिए कुछ नहीं होता, चिमटी हो या कोई पतली सी ऐसी चीज हो जिसमें एक बार इस तरीके से आवाज आएगी, और फिर इसे तुरंत ही होल्ड करके रखना 10 से 20 सेकेंड, तो ये सारी लाइटें बुझेंगी और दोबारा से जल जाएंगी। तो दोस्तों नॉर्मली आपका जो राउटर है वो रिसेट हो चुका है, लेकिन पावर ऑफ करने के लिए जैक निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बटन आता है, तब आप देखेंगे मैंने कहा है रिसेट किया है, तो इसी को ऑन ऑफ किया था। तो ये छोटे से स्टेप पे बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे, लेकिन कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम आ सकती है इसमें कि सेम राउटर नहीं है तो मैं कैसे कनेक्ट करूँ। तो बहुत सारी वीडियो मेरी डली हुई है राउटर से रिलेटेड, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा आपके पास कौन सा राउटर है, तो मैं आपको रिकमेंड करके वो स्पेशल वीडियो सेंड कर दूंगा। नहीं तो दोस्तों हमने आजकल स्टार्ट किया एक नया प्रोग्राम जिसमें हम डायरेक्टली ऑनलाइन हेल्प भी कर देते हैं लोगों की। दोस्तों आप ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम मतलब वीडियो का कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा से उसे वीडियो को पूरा देखिए जो पोर्शन सेटिंग वाला है, क्योंकि मेन कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा इजी वर्क कर पाएंगे, है ना। अगर नहीं आए तो दोस्तों हम ऑनलाइन भी सपोर्ट आप प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो तो पॉसिबल अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के दोस्तों को और दोस्तों को शेयर कीजिए नॉलेज। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।